स्टैंडर्ड थर्ड SS सेम टू डे वन. दिस इज द बुक कवर पर्ल्स स्टैंडर्ड थर्ड सेम टू. चिल्ड्रन यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ सेमिस्टर टू टेक्स्ट बुक. टेक आउट दैट टेक्स्ट बुक सेम टू. चैप्टर नंबर वन लाइवली ईस्ट. चिल्ड्रन बिफोर द लेसन वी स्टार्ट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द लेसन. इन दिस लेसन वी विल सी द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. We will see the cities in East, the tourist attractions places in the East side, and the language and cuisines of the East, and the festival celebration. बच्चों, आपको पता है कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी. That means the taste of water changes after every short distance. मतलब जो पानी का टेस्ट रहता है ना वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बदल जाता है. सेम वे में लैंग्वेज भी बदल जाती है. चार कोस पे बानी मीन्स चार कोस चलोगे तो आपका लैंग्वेज भी बदलने लगता है. दिस रिफ्लेक्ट द ट्रू डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री. और यहाँ पे हमको डिफरेंस दिखने लगता है हमारी कंट्री में. सो हियर इज द लेट्स स्टार्ट द लेसन. गेट स्टार्टेड. Here are the name of few cities in eastern India. Color the capital city. Okay, children. So, what is the question? Few city name in the eastern India is given. You have to color the capital of that city. Okay. So, city name is Itanagar, Dimapur, Ranchi, Dispur, Gangtok, कोलकाता, पुरी, बिलासपुर एंड आइजवाल. सो चिल्ड्रन आई थिंक यू डोंट नो अबाउट द सिटीज ऑफ ईस्ट इंडिया. लेट मी टेल यू विच पार्ट यू हैव टू कलर. फर्स्ट यू विल कलर ईटानगर, देन रांची, देन देसपुर, गैंगटॉक and Aizwal. Why we have colored these things, that will explain you later, because these all are considered in the east side of the India. Okay, in this lesson we will read about some cities in eastern India. Iska matlab hota hai is lesson mein hum log eastern India ki purab India ki cities ke bare mein padhenge. See map 1.1 and locate these cities. Yahan pe 1.1 map next page pe aapko milega. Yahan pe aapka sare east India ke cities states ye sare bataye gaye hain, jaise ki Chhattisgarh, झारखंड, उड़ीसा, कोलकाता, मिजोरम, त्रिपुरा. दिस ऑल सेवन सिस्टर्स. ओके, दिस ऑल द सेट ऑफ सेवन सिस्टर्स एंड द कैपिटल ऑफ ईच स्टेट इज गिवन. फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है, झारखंड का रांची है, हमने देखो कलर किया है ना इस साइड के, फिर वेस्ट बंगाल का कोलकाता है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है एंड सो ऑन. Is it clear, children? Okay, now some fact files about the lesson. First is Kolkata. First city का नाम अपना कलकत्ता का है. The city's former name is Kolkata. आज हम उसको क्या बोलते हैं, कोलकाता. Okay, पहले इसका नाम था कलकत्ता. It is Anglicized version of Bengali name Calicut. Anglicized means Anglicized English name. किसी का English किया जाता है नाम, जैसे कि समरनाथ का सैम कर दिया. ओके, दिस इज Anglicized version. ओके, बंगाली नेम कैलिकटा. अकॉर्डिंग टू सम कैलिकटा इज डिराइव फ्रॉम द बंगाली वर्ड क
कली क्षेत्र मीनिंग ग्राउंड ऑफ गॉडेस काली। अभी कोई बोलता है कि इसको ये नाम कहाँ से आया, तो ये एक बंगाली वर्ड है, काली का क्षेत्र मीन्स काली गॉडेस काली, काली जो भवानी माता होती है उनका एरिया है। सम सेज द सिटी नेम्स डिराइव फ्रॉम द लोकेशन ऑफ इट ओरिजिन स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक ऑफ कैनाल खाल। और कोई बोलते हैं ये खाल के किनारे बसी थी इसलिए इसका नाम कलकत्ता पड़ता है। और दूसरी भी अदर स्टोरीज है अबाउट द नेम ऑफ कलकत्ता। कोलकाता, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ये किसका कैपिटल है, ये राजधानी है वेस्ट बंगाल की। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड कलकत्ता और उसका असली नाम पहले था कलकत्ता, ठीक है। कोलकाता इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक रिवर हुगली। कहाँ पे आया है ये कोलकाता, रिवर हुगली, हुगली नाम की नदी है उसके किनारे बसा हुआ ये शहर है। इट इज़ मेजर पोर्ट और ये एक बड़ा पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह जहाँ पे बड़ी बड़े शिप्स आते हैं और वहाँ पे वो लोग हॉल्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट किस लिए यूज़ होता है बच्चों, ये दूसरे कंट्री या इंटरनल स्टेट्स में वाटर वेस से काम करने के लिए हमें यूज़ होता है, क्योंकि वाटर वेस में सारे शिप्स बड़े बड़े बोट्स आके रुकने के लिए कहीं जगह चाहिए तो पोर्ट बनाया रहता है। जैसे रेलवे का, रेल कहाँ पे रुकती है, रेलवे स्टेशन पे रुकती है ना, तो इसी तरह से ये पोर्ट रहते हैं जहाँ पर आके बड़े बड़े शिप्स एंड बोट्स विल हॉल्ट। द हैंगिंग ब्रिज ऑन द हुगली वॉज कॉल्ड हावड़ा ब्रिज। एक हैंगिंग ब्रिज बनाया है हुगली रिवर के दोनों साइड पे बांधा हुआ एक ब्रिज है, उसे बोलता है, उसे बोलते हैं हावड़ा ब्रिज, मीन्स एक लटकता हुआ ब्रिज। एक्चुअल में बीच में आपको कोई पिलर दिखेगा नहीं, एक साइड और दूसरे साइड से ऐसा लग रहा है जैसे वो लटक रहा है, और ये हुगली रिवर पे है, इसका नाम है हावड़ा ब्रिज। इट इज़ नाउ कॉल्ड रविंद्र सेतु और अब इसका असली नाम दे दिया है रविंद्र सेतु। अनदर ब्रिज हैज़ बीन बिल्ड ऑन द रिवर, इट इज़ कॉल्ड विद्यासागर सेतु। और दूसरा ब्रिज भी बना दिया है, जैसे कि हमारे तापी रिवर पे सूरत में एक ब्रिज काफ़ी नहीं था तो अलग अलग ब्रिजेस बनाए, सरदार ब्रिज एंड दिस ब्रिज, दिस ब्रिज, थ्री एंड फोर ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन लाइक दैट। ओनली द वन ब्रिज वॉज देयर ऑन रिवर हुगली, सो द अदर ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड इट्स नेम इज विद्यासागर। हावड़ा ब्रिज का दूसरा नाम क्या है बच्चों, रविंद्र सेतु। सेतु मतलब इंग्लिश में ब्रिज होता है। कैन यू सी द पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल एंड दिस विक्टोरिया मेमोरियल वॉज बिल्ड इन अ मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड, इट इज नाउ अ म्यूजियम। ये जब विक्टोरिया आए थे तो उनकी याद में बनाया गया था और अब इसको एक म्यूजियम में बना कन्वर्ट कर दिया है। ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेज रहेंगे प्राचीन चीज़ों के, मॉडर्न चीज़ों के, सारे चीज़ आपको दिखेंगे। कभी कलकत्ता घूमने गए तो विक्टोरिया मेमोरियल ज़रूर देखना। हियर इज सम पिक्चर ऑफ हावड़ा ब्रिज। देखो ये ब्रिज के बीच में कोई भी पिलर नहीं है, ये लटका हुआ ब्रिज है, और ये वाला दूसरा है विद्या सागर सेतु। लेट्स सी द क्लाइमेट, कोलकाता इज नदर हॉट नॉर कोल्ड। कोलकाता ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है, क्यों ऐसा है, बिकॉज इट इज सिचुएटेड नियर द सी कोस्ट। और सी कोस्ट का आप बच्चों पता है ना, सी कोस्ट का क्लाइमेट कैसा रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मॉडरेट रहता है। तो लाइकवाइज कलकत्ता का भी यही हाल है, वहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत गर्म है ना तो बहुत ठंडा है। इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल बिटवीन जून एंड सेप्टेम्बर, और जून से सेप्टेम्बर में यहाँ पर ज़ोरदार बारिश होती है। क्यों बारिश हो रही है, बिकॉज द सिटी इज सिचुएटेड नियर द सी कोस्ट। कौन सा कोस्ट आता है, बे ऑफ बंगाल से जो भी आती है हवाएं वो यहाँ पर बारिश दे जाती हैं। द वेदर इज वार्म एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग दिस मंथ, और वेदर कैसा रहता है, वार्म गर्म रहता है, और ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी उसमें बनी रहती है क्योंकि वो सी कोस्ट के पास है,
और ह्यूमिडिटी काफ़ी मिल जाती है सी कोस्ट पे, ड्राई नहीं रहता है वहाँ का, और ये ह्यूमिडिटी की वजह से ही यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। इज़ इट क्लियर चिल्ड्रेन? पीपल मतलब यहाँ के रहने वाले लोग। मोस्ट मैन वेयर धोती कुर्ता और शर्ट ट्राउज़र, बहुत से ज़्यादा करके आदमी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। देखो इस टाइप की धोती कुर्ता रहती है उनकी, या फिर शर्ट एंड ट्राउज़र, मतलब शर्ट पैंट हम जो पहनते हैं, हमारे डैडी और भाई लोग पहनते हैं, द लाइक दैट दे वेयर द शर्ट पैंट और धोती कुर्ता। वुमेन वेयर साड़ी, सलवार कमीज, जीन्स एंड स्कर्ट्स। वुमेन आर मॉडर्नाइज एंड दे आर यूजिंग न्यू पैटर्न ऑफ वेयरिंग, दैट इज जीन्स एंड स्कर्ट्स ऑल्सो दे आर वेयरिंग। और ट्रेडिशनल में सलवार कमीज पहन लेते हैं अपना जो ड्रेस रहता है वैसा, और साड़ी पहनती हैं औरतें, साड़ी भी इसी टाइप की रहती है, वाइट कलर एंड रेड कलर की। मोस्ट पीपल बांग्ला इज द मेन लैंग्वेज, यहाँ की मेन भाषा कौन है, आमी जो बांग्लादेशी ऐसा बंगाल बंगला भाषा वो लोग यूज़ करते हैं। मोस्ट पीपल ईट राइस, अभी यहाँ पे कोस्टल एरिया है, बारिश ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन ऑफ राइस इज मोर, इसकी वजह से राइस अच्छा खासा उगता है, इसलिए लोग क्या खाते हैं ज़्यादा, चावल ही खाते हैं। फिश करी एंड रसगुल्ला आर पॉपुलर फूड आइटम, और फिश भी अवेलेबल है, क्यों, क्योंकि ये तो कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे कोस्टल एरिया में आपको बड़ा समुद्र का किनारा मिल जाएगा, समुद्र का किनारा मिल गया तो आपको मछलियाँ भी मिल जाएंगी, और मछलियाँ मिल जाएंगी तो स्टेपल डाइट उनका हो जाता है। स्टेपल डाइट मीन्स रोज़ खाते हैं ना हम, जिस चीज़ को रोज़ यूज़ करते हैं दैट इज़ कम्स टू स्टेपल डाइट। जैसे पंजाब का स्टेपल डाइट क्या है, रोटी, क्योंकि वहाँ पे गेहूँ ज़्यादा उगता है, व्हीट ज़्यादा उगता है, एंड द स्टेपल डाइट ऑफ पंजाब पीपल इज़ व्हीट, लाइक दैट द स्टेपल डाइट ऑफ कोलकाता इज़ राइस एंड रसगुल्ला। रसगुल्ला क्या होता है, ये मिल्क को छेना रहता है, उसको फाड़ के, मिल्क को फाड़ के उसका डम्पलिंग बनाते हैं, उसको चाशनी में पका के मीठा मीठा ऐसा स्वीट डम्पलिंग्स रहते हैं, एंड दिस इज रसगुल्ला, इट्स वेरी फेमस। पॉपुलर पीपल एन्जॉय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा इज़ द मेन, पीपल क्या एन्जॉय करते हैं, सारे फेस्टिवल्स तो एन्जॉय कर लेते हैं, बट दुर्गा पूजा जो है इनका वो बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। नवरात्रि में आता है ना दुर्गा पूजा, लास्ट दशहरा के टाइम आता है, तो वो ये डेज वो सेलिब्रेट करते हैं एज अ दुर्गा पूजा। यहाँ बड़ी बड़ी पंडालें लगती है, पंडालें मीन्स डेकोरेशन करते हैं वो लोग, तंबू को डेकोरेशन करते हैं, वहाँ पे वो लोग पूरे रामायण के पाठ करते हैं, दुर्गा माता के पाठ करते हैं, और लास्ट में कुमकुम से होली खेलते हैं। लेडीज़ यहाँ की कुमकुम से होली खेलती है, और उनका जो भी डांस फॉर्म रहता है वो लोग प्ले करते हैं। सो पीपल एन्जॉय सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल। पीपल ऑल्सो लाइक टू वॉच क्रिकेट एंड फुटबॉल, यहाँ के लोग क्रिकेट एंड फुटबॉल के प्रेमी हैं। क्रिकेटर कौन है फेमस वहाँ का, सौरभ गांगुली। ही इज़ द पिक्चर ऑफ दुर्गा पूजा, ऐसे पंडाल में बड़े बड़े स्टैचूज बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इंडस्ट्री, there are many industries in Kolkata, jute, silk, rice, paper and chemical are few important industries, यहाँ पर बहुत सारी industries हैं और कुछ important industries है jute। अभी बच्चों यहाँ दिख रही है आपको jute बनाने की factory। jute क्या होता है, एक type का घास रहता है, इसे हिंदी में सन बोले जाते हैं, सन में से उस घास में से thread निकालते हैं और ऐसे थ्रेड को वीव कर लेते हैं, बना लेते हैं, और फिर ये थ्रेड को वीविंग करके हम लोग सैक बैग बनाते हैं, जैसे कि गोनी बनाते हैं, बैग्स, गनी बैग्स बनाते हैं, और जूट के डिफरेंट डिफरेंट बैग्स बनाते हैं हम, तो ये सामान उठाने और ले जाने में इजी रहता है, काफ़ी मजबूत रहता है, और ये इंडस्ट्री मोस्टली फ्लरिश हुई है कोलकाता और वेस्ट बंगाल के अदर सिटीज़ में। सिल्क, सिल्क भी यहाँ पे अच्छा फ्लरिश हुआ इंडस्ट्री, सी दिस, यहाँ पे लोग
ककून्स पैदा करवा दिए हैं, ये जो ईयर रहती है एक टाइप का कैटरपिलर रहता है, और वो कैटरपिलर वो बटरफ्लाई कैटरपिलर देता है, और उसके ये जो ककून्स रहते हैं वो बटरफ्लाई निकलने के पहले वो लोग निकाल लेते हैं, और उसके आजू बाजू वो प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, थ्रेड, एक सिल्क का थ्रेड बना देता है कि खुद को प्रोटेक्शन, उसको खुद को प्रोटेक्शन मिले इसलिए। और इसको पानी में गर्म करके इसमें से सिल्क निकाला जाता है, फिर उसका डाई होता है, डाई के बाद वीविंग होता है, और फाइनली वी गेट द सिल्क साड़ी और सिल्क मटेरियल। राइस, अब राइस कैसी इंडस्ट्री है, फार्म में से हम लोग लेकर आ गए राइस, धान बोलते हैं उसे, विद उसका जो हस्क रहता है उसको वो लोग निकालते हैं, थ्रेश करते हैं, और उसके बाद उसको बैग में भर भर के सप्लाई करते हैं। तो एक राइस, और प्लस पोहा बनाते हैं राइस में से, ममरा बनाते हैं, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स वी आर गेटिंग फ्रॉम राइस, एंड दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन राइस इंडस्ट्री। पेपर केमिकल्स आर फ्यू इम्पॉर्टेंट, पेपर की भी इंडस्ट्री रहती है, झाड़ के पल्प में से या फिर घास या वेस्ट मटेरियल में से, पल्प में से दे मेक्स द पेपर एंड दे मेक्स द रोल और लाइक दिस। हमारे पास तो एक पेज है, लेकिन ऐसे पेज बनाने के लिए इनको बड़े बड़े रोल्स बनाने पड़ते हैं। पल्प को पहले क्रश करना पड़ता है, मतलब जो भी प्लांट्स या जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्रश कर लिया, क्रश करके उसको गीला कर दिया, इसके बाद उसका पल्प बनाएंगे और पतली पतली शीट्स बना के ड्राई करेंगे, और शीट्स को रोल करके फिर उसको कटिंग होता है, और कटिंग के बाद उसकी प्रिंट आउट प्रिंटिंग होती है, एंड दिस ऑल कम्स इन द पेपर इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन, कलकत्ता इज हैज़ अ वेरी यूनिक ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास बसेज हैं, कार्स, व्हीकल्स, ये सब तो है, उसके अपार्ट उनके पास क्या है, कोलकाता हैज़ अंडरग्राउंड मेट्रो, उसके पास अंडरग्राउंड मेट्रो है। ट्रैम ऑल्सो रन्स ऑन सम एरिया, कुछ कुछ जगह पर ट्रैम्स रहती है, ट्रैम्स इज जस्ट लाइक अ बस बट इट रन्स ऑन द ट्रैक, जैसे रेलवे की ट्रेन चलती है वैसे उनकी ट्रैक रहती है और वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती है। कोलकाता इज़ द ओनली सिटी वेयर ट्रैम्स आर स्टिल इन यूज़, कोलकाता सिर्फ एक सिटी जहाँ पे ट्रैम यूज़ हो रहे हैं। द मेन रेलवे स्टेशन हावड़ा एंड सिल्दा, और ये दो मेन रेलवे स्टेशन है। ये देखो ये ट्रैम है, यहाँ पे ट्रैक बनाया है और ये ट्रैम चलती है, दिखने में थोड़ी बस और रेल ट्रेन जैसी है, ये अपनी मेट्रो है। टूरिस्ट अट्रैक्शन, अभी यहाँ देखने लायक क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी, देयर आर मेनी प्लेसेस टू सी इन द सिटी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, आगे देखा ना विक्टोरिया मेमोरियल, किंग क्वीन विक्टोरिया के याद में, इंग्लैंड की जो रानी थी उनके याद में बनाया है, जो अभी म्यूजियम है। फोर्ट विलियम, बिरला प्लैनेटोरियम, प्लैनेटोरियम क्या होता है बच्चों, ऐसा डोम शेप का एक बिल्डिंग बनाया रहता है, और वहाँ पे तारा ग्रह बोलते हैं, वहाँ पे जाके हम पूरे स्काई को व्यू कर सकते हैं, मीन्स आर्टिफिशियली वो लोग बनाते हैं, ऐसा लगता है कि हम रात को बैठे हैं ओपन स्काई में और हम स्काई देख रहे हैं, सेम वे में हमको इल्यूजन होता है। अलीपुर जू, जू मतलब प्राणी संग्रहालय, निको पार्क, रविंद्र सरोवर, बेलूर मठ एंड साइंस सिटी आर सम पॉपुलर टूरिस्ट लाइक टू सी। ये जो है ये है फोर्ट, फोर्ट विलियम, ये विक्टोरिया मेमोरियल, ये बिरला प्लैनेटोरियम। देखो बोला ना ये डोम शेप रहता है, यहीं पे ही यहाँ पे बीच में हमको जो हॉल रहता है वहाँ पे चेयर्स अरेंज कर देते हैं, और इस डोम पे वो लोग प्रोजेक्शन करते हैं और हमको पूरा स्काई का व्यू दिखता है, नाइट स्काई का, और ये है साइंस सिटी। चिल्ड्रन डू यू नो, जिसने भी लिखा है वंदे मातरम और जनगणमन, वंदे मातरम ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, और जनगणमन हमारा नेशनल एंथम है, और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये दोनों जिन्होंने लिखा है वो कोलकाता से हैं। नेशनल सॉन्ग इज़ रिटन बाय
Bankim Chandra Chattopadhyay or Chatterjee. Bankim Chandra Chatterjee. And national anthem is written by Rabindranath Tagore, and these two belongs to Kolkata, and Kolkata is famous for these two great persons. Here the session is over. Thank you, children.